भारतीय संचार निगम लिमिटेड में यूनियन की मान्यता को लेकर हुए 8वें सदस्यता सत्यापन चुनाव में उज्जैन में BSNL एम्प्लॉयज यूनियन ने 75 मत प्राप्त कर बड़ी जीत दर्ज की है। यूनियन के पदाधिकारियों ने उज्जैन BSNL कार्यालय में जीत का जश्न मनाया। BSNL के चुनाव में देश भर की 18 यूनियनें चुनाव मैदान में थी। उज्जैन में 3 यूनियनों BSNL एम्प्लॉयज यूनियन, नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज, भारतीय टेलीकॉम एम्प्लॉयज यूनियन के मध्य मुकाबला था, जिसमें BSNL एम्प्लॉयज यूनियन को 212 में से सर्वाधिक 159 मत प्राप्त हुए। देवास गेट स्थित कार्यालय में प्रातः 9 बजे से मतगणना प्रारंभ हुई। लगभग 11 बजे सहायक निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दीप्ति शुक्ला के द्वारा विजेता यूनियन की घोषणा की गई। घोषणा के पश्चात विजेता BSNL एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्यों द्वारा जोरदार जश्न मनाकर पूरे कार्यालय में मिष्ठान वितरण किया गया। जीत के बाद मान्यता प्राप्त यूनियन के जिला सचिव मनोज शर्मा ने कहा कि यूनियन की यह जीत BSNL को बचाने के लिए संघर्षों और कर्मचारियों के हितों में किए गए कार्यों की जीत है। भविष्य में भी BSNL को पीछे धकेलने वाली नीतियों का विरोध जारी रहेगा तथा सरकार और प्रबंधन से BSNL को 4G स्पेक्ट्रम द्वारा प्रदान करने तथा सेवाओं के विस्तार हेतु ऋण लेने पर लगाई गई रोक हटाने के लिए यूनियन विशेष प्रयास करेगी। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। चुनाव बहुत अच्छे तरीके से निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हुए, जिसमें प्रशासन ने यूनियन प्रतिनिधि ने सहयोग दिया, उसके कारण बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न हो गया। लगभग कितनी यूनियन ने हिस्सा लिया है यहाँ पर उज्जैन जिले में? उज्जैन जिले में 3 यूनियन ने हिस्सा लिया था। कितने कितने वोट मिले हैं? जो प्रमुख यूनियन जिसको BSNLU को वोट मिले वो 159 है, और NFT को 34 मिले, और BTU को 13 मिले। BSNL के अंदर 8वें मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें BSNL के अंदर उज्जैन में 212 वोट गिरे। 212 वोट के अंदर BSNL एम्प्लॉयज यूनियन ने 75% से अधिक मत हासिल करते हुए 159 वोट प्राप्त किए। ये बहुत बड़ी एक जीत है। अन्य जो यूनियनें थी जो मुकाबले में थी उनको मात्र 34 और क्रमशः 13 वोट उनको प्राप्त हुए हैं और 6 वोट अन्य में गए हैं। इस तरीके से रहा है पूरा चुनाव। BSNL एम्प्लॉयज यूनियन का शुरू से यह ध्येय रहा है कि BSNL जो एक 100% सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक उपक्रम है, इसका अस्तित्व तो बनाए रखें, कर्मचारी हितों के लिए संघर्ष करते रहें। वो सरकार की वे नीतियां जो BSNL को पीछे धकेल के जियो को बढ़ावा देने की रही है उसका हम लगातार विरोध अभी तक करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। मनोज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।